तुम्हारी संस्कारी माँ सीधा चाइना से तुम्हें मिलने आ रही है, तुम खुश हो ना? जी हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। आज पता नहीं क्यों लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द है। जी हाँ, चिंता मत करो, मेरी माँ एक कुंग फू चाइनीज डॉक्टर है। मम्मी, क्या आइडिया आया है, हम इसके मम्मी के सहारे यहाँ से भाग सकते हैं भैया। मम्मी के सहारे ठीक नहीं है ना, खाने और भागने में सब जायज है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबसे बढ़िया हो मॉम। ऐसे हरकत करके आपने ठीक नहीं किया, तुम नहीं जानते मेरे पूरे खानदान को कुंग फू आती है। अगर अपनी मम्मी को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। माता जी, मैंने सुना कि आप चाइना के फेमस कुंग फू चाइनीज डॉक्टर हो। चौंग चिंग चौंग। बदले में मम्मी को इस्त्री करने के लिए 4 हेल्पर चाहिए होंगे। ये काम करने के लिए डाल्टन्स कैसे रहेंगे? आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन मेरी कमर ठीक कर दीजिए। ये खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाइयों से कुछ सीखो। डांट ये देखो, नहीं सुधरेगा। सुनो, अब वक्त आ गया है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। यस। नालायक कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यार, अम्मा तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? अरे देखा, मम्मी ने मुझे खिलौना दिया, इसे मैं खेलूंगा। ये डाल्टन्स लोग हर बार हम लोग का काम कितना आसान कर देते हैं। हमें एक नए आइडिया की जरूरत है। जल्दी से सोचो और निकलो यहाँ से, वैसे भी मुझे इन घोंचुओं की शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है। लड़ाई करना बंद करो, जाओ यहाँ से। बताओ आइडिया किसके पास है? मैं, मेरे पास। आवरण, हम ये नदी पार करेंगे इन पाइप्स की मदद से। क्या कोई दूसरा आइडिया है? है ना? ए, मेरे पास भी है माँ। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या? जो तुम चारों बेवकूफ, डाल्टन खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर ही रहोगे। अब देखते जाओ कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है। यही मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस भेज सकती है। मेरे रेस्पेक्ट की कोई इज्जत ही नहीं, कोई आइडिया नहीं सुन रहा। इसके पास तो नूडल्स है, मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। मेरी मम्मी, क्या आपको कोई संस्कारी आवाज सुनाई दी? शायद माता जी ने पैरों में पायल पहनी हुई है।
इस बार तो मैं अपने लड़कों के साथ भाग कर ही रहूंगी। ज्यादा सपने मत देखो क्योंकि वो सारे टूट के बिखरने वाले हैं। समझ में आया? मम्मी, ऐसी बात है तो हो जाए। मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी को यूं हरा देगी। मेरी मम्मी कुंग फू की चैंपियन है। तो फिर तुम कपड़ा क्यों धोते हो? अरे भाइयों ये देखो, मम्मी ने अपने सेल में हम सब के लिए पाइप्स भेजी हैं। जो अगर तुम्हें इतनी खुजली हो रही है तो तुम इस चीनी से माफी क्यों नहीं मांग लेते? आसान है, डाल्टन्स कभी माफी नहीं मांगते। लेकिन माँ की डांट चुकाते हैं। वो तो है।